डेस्टिनेशन है वो है वाटरफॉल। तो वीडियो यहीं से चालू होगा मेरा। सो हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज़ ब्लॉग बेबी आर और दिस इज़ राहुल और यू वाचिंग मी हियर। सो गाइस, अभी जो है हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। तो रास्ता बहुत दूर है, मेरे साथ मेरा एक भाई है रोहित ब्रो। सो यस ब्रो, सो अभी हम ये तो दौड़ते जा रहा है, कोई बात नहीं, तू चला जा यार, ये सब देखना नहीं चाहिए हाँ आप लोगों को, इग्नोर करो। तो इग्नोर करो इसको जितना हो सके। चलो हम तो इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, तो जाते हैं, अभी देखते हैं कितना चल पाते हैं हम लोग। ये जो रास्ता है ना, इसी रास्ते हम लोग आए। चलिए बढ़ते रहते। फाइनली चलते चलते हम जो यहाँ का जो मंदिर है ना, मंदिर के आसपास पहुँच चुके हैं। सो अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए थोड़ा मंदिर, बहुत ही शांत सा जगह है। तो यहाँ पे आने के टाइम फोटो वोटो खींचेंगे, अभी पास हो जाते हैं। भोले पप्पा प्रणाम मैया पार कर रहा हूँ, ले लो यार अपना। मैया पार कर रहा हूँ, पूजा करेगा तो। सो फाइनली जो है मंदिर क्रॉस कर रहे, भगवान को तहे दिल से हमारा प्रणाम। ये भोले बप्पा का मंदिर देख सकते हो गाइस। का साउंड आ रहा है। और ये जैसे हमने मंदिर क्रॉस किया ना गाइस, तो हमें वाटरफॉल का जो साउंड है वो आना शुरू हो चुका है। तो मेरे को अभी भाई ने बताया कि वाटरफॉल यहाँ पे नहीं है और थोड़ा चलना पड़ेगा हमको 300-400 मीटर, शायद 3000 किलोमीटर, तुम कहाँ तो पहुँच उसके गए। बाद देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसी रास्ते हम लोग आए, तो आते आते हमें छोटा सा चीज़ मिल गया। तो ये जो है स्टोन है, अब ये स्टोन जो है ना, ऊपर से पानी गिरते गिरते इसका अंदर तक होल बन चुका है। और आप देख सकते हो इसका जो नया नया डिज़ाइन बना है, वो जो सारे आते आर्किटेक्ट हैं बना हुआ है ना, जो वो नेचुरल है, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये जो है अपने आप बना है इधर। सो इसको देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मिला, ये जो है ना, जो बरसात का टाइम रहता है तब यहाँ यहाँ से भी वाटर गिरता है। तो ये भी एक छोटा सा वाटरफॉल है। इसको आप अपने मन से कुछ नाम देना चाहते हो तो दे देना, कमेंट बॉक्स में छोड़ देना इसका नाम, मेरे को तो इसका नाम पता नहीं है। यहाँ पे आदमी का उतना आना जाना नहीं है, फिर भी यहाँ पे जो है ना, एक बोले तो ट्री का जो बंच होता है उससे एक यहाँ पे ब्रिज बनाया गया है। और वाटरफॉल देख सकते हो आप लोग, ये देखो बहुत ही खूबसूरत सा है गाइस। हाँ अरे बेटर पॉइंट का पूरा फायदा नहीं है सर, आ जाना बेटर पॉइंट। मने यहाँ पे बेत का फल है, देखिए गाइस ये रहा। बहुत हाई है, बहुत बहुत हाई है गाइस। रास्ते चलते चलते और एक नायाब चीज़ देखने को मिला, पत्थर का कलाकारी, नेचर का कलाकारी जिसको कह सकते हैं। तो देखिए, रेडी, हाँ 1 2 3, हाँ भाई यहाँ का व्यू चेक करो भाई, ये रहा ऊपर का व्यू, ये नीचे का, उसको फिर पी सकते हैं हम लोग। तो काटे गाइस, हम अभी जो है माँ काली का मंदिर जा रहे हैं, और माँ काली का मंदिर जैसे हमारा दर्शन हो जाता है उसके बाद हम नीचे जाएंगे और जो वाटरफॉल के लिए आए थे वहाँ पे जाएंगे। मेरे को एक्चुअली पता नहीं था कि ऊपर माँ काली का मंदिर है, तो अभी पता चला, जब पता चला माँ ने बुलाया तो मैं कैसे नहीं जा सकता हूँ। नहीं, वेट 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 वेट, हाँ
रेडी। तो अभी जो है ये टर्निंग दिख रहा है आप लोगों को, बहुत आगे चल रहे हैं, बहुत ही खराब टर्निंग है। तो क्या है, ये टर्निंग को क्रॉस करके हम जो है माता का दर्शन करेंगे। तो आइए आप लोग भी। माता का मंदिर आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, बहुत ही खूबसूरत जगह पे है। माता का मंदिर को दर्शन हो गया तो और क्या चाहिए, अभी तो ऐसा लग रहा है चाहा कुछ पाया कुछ, जो भी पाया भला पाया। माँ को मेरा प्रणाम। गाइस यही सब चीज़ देखने के लिए लोग कितना दूर दूर जाते हैं, और आज पहली बार मैं अपने घर के पास इतना नायाब चीज़ देखने के लिए आया हूँ। ये जो आर्किटेक्ट है ना, ये पूरा मेटल का है, ये आर्किटेक्ट किसी ने नहीं बनाया, नेचुरली बना है। और नेचर से कभी पंगा मत लो आप लोग। नीचे 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 गाइस, ये जो गुफा दिख रहा है आपको, ये कोई गुफा नहीं है, दो पत्थर आपस में एक एंगुलर बना के यहाँ पे रुके हुए हैं। तो हम इसके अंदर से जाएंगे। अरे चलो इतना बने गाइस, अभी मैं जहाँ पे हूँ 10 या 12 साल बाद, ये जगह रहे ना रहे पता नहीं, वाटरफॉल अभी तक मिला नहीं हमको। वाटरफॉल के लिए जा रहे हैं हम लोग, बहुत इसके पीछे जगह है, ये रास्ते से मैंने जाना है। वहाँ पर देखते हैं बहुत चल चुके हैं गाइस, अभी तक नहीं पहुँचे। तो अभी जो है एक रास्ता है ऐसे, और तो हमें और एक वाटरफॉल का पता चला अभी तक, तो जिसके आगे हम बैठे थे उससे भी बड़ा ये है ये। तो बढ़ते हैं आगे, पानी का बहाव बहुत तेज है। फाइनली 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 हमें बड़ा वाटरफॉल दिख गया, बड़ी ही कड़ी मशक्क़त के बाद। गाइस देख सकते हो लोग, ये पहाड़ इसको तोड़ तोड़ के अंदर से पानी आ रहा है। तो गाइस फाइनली हम है वो जो बड़ा सा वाटरफॉल का बात कर रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले, तो वहाँ पे पहुँच गए हम। तो ये वाटरफॉल वीडियो में जितना अच्छा आएगा, मैं दो चार फ़ोटो भी खींचूँगा यहाँ का, तो फ़ोटो मैं अपने प्रोफाइल पर डाल दूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैं फ़ोटो डाल दूँगा, तो आप वहाँ से ये सब जितना भी फ़ोटो है वो देख सकते हो। गाइस ये नज़ारा देखो आप।